सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, फाइनली मैं आप सभी लोगों के लिए हर रोज की तरह आज भी एक न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच का वीडियो लेके आ गया। सो गाइस, हर रोज की तरह आज के वीडियो भी बहुत ही कमाल का होने वाला है कि गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को टॉप 8 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच दिखाने वाला है। एंड गाइस, इनमें से दो बहुत ही भयंकर ग्लिच दिखाने वाला है, तो वीडियो को आप लोग थोड़ी सी भी स्किप मत करना एंड लास्ट तक देखना। हाँ, और एक बात गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा सबसे पहले मेरा चैनल का नाम था ऑक्जम नायक। अगर गाइस आप लोग मेरे पुराना सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा पहले ऑक्जम नायक था एंड बीच में मैंने चेंज कर दिया था एचपी नायक। एंड गाइस, चैनल का रीच बहुत ही डाउन हो गया, तो गाइस मैं फिर से चैनल का नाम ऑक्जम नायक कर दिया। सो आप लोग फुल सपोर्ट दिखाना, तो चलो गाइस पॉइंट नंबर 1 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 जाते हैं इस वाले स्क्वाड हाउस के ऊपर। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा इस वाले स्क्वाड हाउस के ऊपर सीडीओ पे बहुत सारे बंदे गेम वगैरह करके बैठा रहते हैं, S12 के वगैरह लेके। एंड जैसे हम लोग सीडीओ से जाते हैं ना, बंदे हम लोग इजिली से मार देते हैं। सो गाइस, इन कैंपर बंदे को मारने के लिए आपको इस वॉल के ऊपर चढ़ जाना है। एंड यहाँ पे जाने के बाद ना, यहाँ से आपको दौड़ते हुए एक जंप लगा देना है, बंदा लेज ग्रैब करके सीधा ऊपर। एंड यहाँ पे आने के बाद ना, सीडीओ पे जो भी बंदा गेम वगैरह करके बैठा रहेगा, बंदे को पता ही नहीं चलेगा, आप पीछे से आके बंदे को इजिली से मार सकते हो। सो गाइस, एक बहुत ही भयंकर ट्रिक है, कभी यहाँ पे आई हो एंड सीडीओ पे बंदे गेम कर रहा है तो इस ट्रिक का यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 2 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 भी इसी वाले स्क्वाड हाउस पे जाता है। सो गाइस, बहुत बार क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं, बंदे वहाँ पे गेम वगैरह करके बैठा रहता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको दौड़ते हुए जाना है एंड स्केट बोर्ड का यूज करना है। यहाँ से आपको जंप वाले बटन पे स्पैम कर देना है सीधा इस वाले स्क्वाड हाउस के ऊपर। एंड यहाँ पे रूम के अंदर जो भी बंदा गेम वगैरह करके बैठा रहेगा ना, बंदे को पता ही नहीं चलेगा, बंदे को आप पीछे से इजिली से मार सकते हो। सो गाइस, ये भी एक बहुत ही ओपी ट्रिक है, कभी यहाँ पे होते इस ट्रिक का भी यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 3 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 जाती है यहाँ पे गाइस ब्लू हाउस के ऊपर चढ़ने का ट्रिक। यहाँ से आपको दौड़ते हुए जाना है स्केटबोर्ड का यूज करके, यहाँ से आपको जंप वाले बटन पे स्पैम कर देना है एंड बूम बम, आप लोग खुद देख सकते हो सीधा इस वाले ब्लू हाउस के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पे आने के बाद ना आपको बहुत ही तगड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। अगर गाइस पीछे वाले ब्लू हाउस के अंदर कोई बंदा कैंप वगैरह करके बैठा है ना, यहाँ से आप बंदे को इजिली से मार सकते हो, नहीं तो गाइस यहाँ से आप लोग ग्रेनेड वगैरह देखे बंदे को पता ही नहीं चलेगा, बंदे को इजिली से उड़ा सकते हो आप लोग। एंड गाइस, यहाँ पे आपको बहुत ही ओपी कवर मिलेगा चारों तरफ का, चारों तरफ के बंदे को आप इजिली से मार सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही ओपी ट्रिक है, इसे भी यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 4 के। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। अगर कोई भी बंदा गेम वगैरह करके बैठा है ना, तो गाइस यहां से आपको ग्रेनेड का फुल एंगल मिल जाएगा एंड आप लोग खुद देख सकते हैं, यहां से आप बंदे को इजीली से मार सकते हो। एंड गाइस, बंदे जैसे नॉकडाउन होते हैं आपको यहां पे चार जाना है, दौड़ते हुए जंप लगा देना इस विंडो पे, बंदा लेज ग्रैब करके सीधा अंदर। एंड यहां पे जो भी बंदा रहेगा ना, आप उसे इजीली से मार सकते हो, आप लोग खुद देख सकते हो गाइस, फुल व्यू मिलेगा, बंदे को पता ही नहीं चलेगा, बंदे को आप इजीली से मार सकते हो। सो गाइस, ये भी एक बहुत ही भयंकर ट्रिक है, इसे भी यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 5 की ओर। सो पॉइंट नंबर 5 जाते हैं गाइस, बहुत बार क्या होता है, हम लोग स्विमिंग पूल पे अटक जाते हैं एंड स्विमिंग पूल के अंदर हम लोग 1v4 हो जाता है कभी कभार। सो गाइस, आपको यहाँ से जंप लगा देना है, यहाँ पे आ जाना है। अगर आपके ऊपर फुल स्क्वाड का रास हो गया है स्विमिंग पूल पे एंड अगर आप अकेले हो, तो गाइस आप लोग इस ट्रिक का यूज करके ना, यहाँ पे आप लोग इजिली से सर्वाइव कर सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हो, बंदे स्विमिंग पूल के चारों तरफ ढूंढ लेगा बट गाइस आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा, आप लोग खुद देख सकते हो। ये भी एक बहुत ही ओपी ट्रिक है गाइस। एंड गाइस, इसका और एक ट्रिक है, अगर गाइस आपके ऊपर फुल स्क्वाड का रास हो रहा है तो यहाँ से जंप लगाना है एंड यहाँ से विंडो से आप सीधा बाहर आ जाओगे एंड बंदे आपको ढूंढते ही रह जाएगा एंड आप यहाँ से निकल जाओगे। सो ये भी एक बहुत ही ओपी ट्रिक है, यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 6 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 6 जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। अगर कोई बंदा गेम वगैरह करके बैठा है, अगर बंदे का लोकेशन मालूम करना है, तो गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ से आपको एक जंप लगा के यहाँ पे चढ़ जाना है। यहाँ पे चढ़ने के बाद ना गाइस, यहाँ से आपको 2-3 जंप लगा देना है, अंदर का फुल व्यू मिलेगा, आप लोग खुद देख सकते हो। जैसे आप लोग जंप लगाओगे ना, अंदर का फुल व्यू मिलेगा एंड अंदर पे कहीं पे भी बंदा गेम वगैरह करके बैठा है ना, तो आप पूरा लोकेशन ले सकते हो, मतलब बंदे को स्पॉट कर सकते हो एंड बंदे को इजिली से मार सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही ओपी ट्रिक है, यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 7 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 7 जाते हैं झूले पे। किसी भी झूले पे गाइस आपको चढ़ जाना है एंड ये एक बहुत ही भयंकर ग्लिच है, आप लोग अच्छे से देखना। झूले के ऊपर चढ़ जाना है आपको एंड झूले के ऊपर चढ़ने के बाद ना आपको ग्रेनेड को कुक करना है एंड ग्रेनेड को कुक करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप लोग स्टार्ट कर दोगे ना, आप लोगों के साथ एक बहुत ही भयंकर ग्लिच हो जाएगा, आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग जैसे गन हाथ में ले लोगे ना, आप लोग खुद देख लेना गाइस, आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ही भयंकर ग्लिच है एंड बहुत ही ओपी ग्लिच है। कभी झूले पे आई हो तो इस ग्लिच का यूज करना, बट गाइस इस ग्लिच का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप लोग इस वाला ग्लिच को कर लेते हो ना एंड स्कोप ऑन करोगे तो गाइस स्कोपिंग नहीं होगा, मतलब आप लोग यहाँ पे खुद देख लेना, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं स्कोप ऑन करूंगा, बंदे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेना एंड देखने में बहुत ही खतरनाक लगती है गाइस, आप लोग खुद देख सकते हो। एंड जैसे मैं स्कोप ऑन कर रहा हूँ, बंदे का कुछ भी नहीं दिखाई रहा है। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बट गाइस इस वाला ग्लिच से आप लोग बंदे को भी मार
सकते हो, बहुत ही फनी तरीके से आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ही फन तरीके से आप लोग बंदे को मार सकते हैं। इस वाला गिलिच का अगर आप लोग यूज़ कर लेते हो ना तो अपने टीम में सरप्राइज हो जाएगा ना, अपने टीम में देखते रह जाएगा भाई ये वाला गिलिच किया तो किया कैसे, एंड मुझे भी सिखा दो। तो ये एक बहुत ही खतरनाक गिलिच है, कभी झूले पे आई हो तो इस गिलिच का यूज़ करना। एंड गाइस इस वाला गिलिच से निकलने के लिए बहुत ही जल्द बताऊंगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो पॉइंट नंबर 8 की ओर। सो गाइस पॉइंट नंबर 8 जाते हैं बग्गी गिलिच। सो गाइस ये इनविजिबल ड्राइवर गिलिच है एंड बहुत ही भयंकर गिलिच है। बग्गी को आपको इस वाले फैक्ट्री के नीचे वाले लोकेशन पे लेके आना है एंड बग्गी को जैसे मैं लगा रहा हूं ना वैसे आपको लगा देना है। सो गाइस यहां पे थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो गिलिच आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग खुद देख लो, बग्गी को इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगाया वैसे ही लगाना है। आप लोग अच्छे से देख लेना, बग्गी को इस तरह से लगाना है। इस तरह से बग्गी को लगाने के बाद आपको बग्गी को पीछे के साइड आ जाना है एंड यहाँ पे पंच जंप एंड ड्राइव एक साथ करना है, पंच जंप एंड ड्राइव। तो गाइस ये वाला एक बहुत ही खतरनाक गिलिच है एंड इस वाले गिलिच को आप लोग अच्छे से देख लो, नहीं तो गाइस आप लोगों से ये वाला गिलिच नहीं होगा। बग्गी को इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगाया वैसे ही लगाना है एंड यहाँ पे आपको पीछे के साइड चले जाना है, पंच जंप एंड ड्राइव एक साथ करना है। आप लोग खुद देख लेना, पंच जंप एंड ड्राइव एक साथ करना है एंड बूम बम। आप लोग खुद देख सकते हो गाइस बग्गी के अंदर कोई भी बंदा नहीं है, मतलब बग्गी के अंदर मैं नहीं हूं, बग्गी अभी ड्राइव हो रहा है। सो गाइस ये बहुत ही खतरनाक गिलिच, आप लोग खुद देख सकते हो बग्गी इनविजिबल हो गया है, मतलब इनविजिबल ड्राइवर वाला गिलिच हो गया है यहाँ पे एंड कोई भी बंदा मुझे स्पोर्ट वगैरह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मुझे पता नहीं, कि गाइस मैं सोलो खेल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं। एंड गाइस इस वाला गिलिच का मैं आप लोग एक भयंकर क्लिप दिखाने वाला, आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे थोड़ी सी भी बॉडी का पार्ट नहीं दिख रहा है बग्गी के अंदर। एंड गाइस ये वाला गिलिच मैं स्क्वाड एंड डुओ में नहीं किया हूँ तो मुझे पता नहीं बंदे को दिखता है कि नहीं, बट गाइस यहाँ पे मैं आप लोग एक क्लिप दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना। गाइस यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे देखना मेरे ऊपर दो तीन गड्डी आ जाएगा, बट गाइस मुझे स्पोर्ट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना मैं यहाँ पे हूँ एंड आप लोग खुद देख सकते हो मेरे आगे के तरफ से बग्गी पार हो गया, बट गाइस मुझे स्पोर्ट नहीं कर पाया, मुझे ऐसे लग रहा है नहीं तो बंदे रुक के मुझे मार सकता था। एंड यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना है यहाँ पे एक मिराडो भी आएगा, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे एक मिराडो भी आके चला गया, बट गाइस मुझे स्पोर्ट ही नहीं कर पाया। सो गाइस इस वाला गिलिच के बारे में मुझे पता नहीं एनिमी को अपने टीममेट को दिखता है कि नहीं, क्योंकि गाइस मैं सोलो में क्या हूँ तो मुझे पता नहीं। एंड गाइस बहुत जल्द मैं स्क्वाड एंड डुओ में करने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वाला गिलिच टीममेट को एंड एनिमी को दिखता है कि नहीं। सो गाइस ये एक बहुत ही भयंकर गिलिच है, कहीं भी फैक्ट्री के सामने है तो एंड बग्गी है तो आपके पास इस वाले गिलिच का यूज़ करना। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक क्लिप लेके आ गया, मतलब एक छोटा सा गेम प्ले का वीडियो लेके आ गया, तो गाइस इस वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। हाँ, और एक बात गाइस आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कौन सी क्लिप आप लोगों को पसंद है। एंड अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही कर रही हो, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना एंड गेम प्ले बहुत ही ओपी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemies ahead.